हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए एक प्यारी सी शॉर्ट स्टोरी लेके आई हूँ, यानी कि कहानी लेके आई हूँ। और वो कहानी वाइज म्यूल, आप इसके बारे में, चालाक म्यूल, म्यूल का हिरण जैसा, डियर जो रहता है ना, उसी के जैसा एक म्यूल रहता है, उसके बारे में। ये बुक कुछ इस तरह से दिखता है। ये सीरीज़ में आते हैं। यहाँ पे इसका MRP 50 रुपया लिखा है, पर मैंने ये बुक एकदम सेट में लाया था। मुझे अभी याद नहीं है कि कितना पैसा था, पर ये ज़रूर मुझे डिस्काउंट में ही पड़ा होगा। इंडिविजुअली ये अवेलेबल है तो आप ला सकते हैं। द वाइज म्यूल इज़ एन एंटरटेनिंग स्टोरी फॉर द चिल्ड्रेन फ्रॉम आवर मोरल स्टोरीज कलेक्शन। दिस बुक विद एंगेजिंग कंटेंट एंड मेसमराइजिंग इलस्ट्रेशन हैज़ बिन हैंड पिक्ड फॉर द चिल्ड्रेन। यहाँ पे लिखा है कि ये जो स्टोरी है वो ज़्यादा बच्चे को बहुत ही अच्छा लगेगा। प्यारा सा स्टोरी है। मोरली इसमें हर एक बुक में इसका मोरल वैल्यू जो है वो बताया है आखिर में। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या है। वाइज म्यूल मत यानी कि चालाक डियर। देर वॉज अ फार्मर हु ओन्ड अ म्यूल। एक फार्मर है, जो हम चासी बोलते हैं उसको, या तो फिर जो लोग बगीचे में वहाँ पे जाके काम करते हैं ना, फार्मर्स जो, और क्या बोलते हैं हम उनको, एग्रीकल्चर के लिए वो जितने भी सारे लोग रहते हैं, फिर वो वेजिटेबल्स उगाते हैं और वो सब जो फार्मर्स हैं, तो वो उनके पास ना एक म्यूल थी जो कि थोड़ी सी ओल्ड हो गई थी। मतलब थोड़ी सी उसको एज ज़्यादा, उम्र ज़्यादा हो गया था। द म्यूल वॉज ओल्ड एंड नॉट ऑफ मच यूज टू द फार्मर। तो जैसे कि मैंने बोला आपको, ये जो म्यूल है, जो डियर है, हिरन जैसा जो है, उसको थोड़ा उम्र ज़्यादा हो गया था। और तभी फार्मर सोचता है कि ये मेरे कोई काम की नहीं है। फिर ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना बच्चों। अगर हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमें थोड़ी ऐसा सोचना चाहिए कि कोई अगर बूढ़ा बूढ़ी हो जाता है वो कुछ काम का नहीं है। नहीं ना। द म्यूल वॉज ओल्ड एंड नॉट ऑफ मच यूज टू द फार्मर। वन डे द म्यूल फेल इन टू द वेल। हाँ, वन डे द म्यूल फेल इन टू द वेल इन द फार्मर्स फील्ड। द वेल वॉज ऑलमोस्ट ड्राई। द फार्मर पीप्ड इन टू द वेल एंड लुक्ड एट द म्यूल। ही वॉज ट्राइंग टू कम आउट। तो एक दिन क्या हुआ, ये जो डियर जैसा दिखता है म्यूल जो है ना, वो एक कुएं के अंदर, जो सूखी हुई कुएं है उसके अंदर गिर गई। तो जब गिर गई, फिर उसके जो ओनर है, जो वो एक फार्मर था, वो है ना चुपके से जाकर देख रहा है कुएं के अंदर कि कौन कैसे, कौन गिरा है, क्या, गिरकर वापस उठने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ना। कितना नॉटी है ना ये फार्मर। उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, जबकि उसको हेल्प करना चाहिए, किसी दूसरे को बुलाकर उसको निकलवाना चाहिए। चलिए देखते हैं फिर क्या होता है। शायद वो किसी को लेके आ रहा है मदद के लिए। देखते हैं। द फार्मर थॉट दैट नीदर द वेल नॉर द म्यूल वॉज ऑफ एनी यूज टू हिम। ओहो, अभी तक ये फार्मर सोच रहा है ये जो म्यूल है वो ना ही उसका कुछ काम का है, ना ही ये कुआं कुछ काम का है। वो कुएं और दोनों ही उसके काम के नहीं है। ही कॉल्ड हिज नेबर्स एंड आस्क्ड देम टू हेल्प हिम फिल द वेल विथ मड सो दैट ही कुड गेट रिड ऑफ वेल एंड द म्यूल। हो, अभी ये फार्मर जो है ना, वो अपने नेबर को बुला के लेके आता है और बोलता है इसमें आप मिट्टी डालो, इतना गीली मिट्टी डालो कि
कि वो म्यूल जो है वो उठकर कभी आ ही ना सके, अंदर ही दब जाए कुएं के साथ साथ। कितना खराब है ना। शायद इन लोगों ने उसकी मदद की इस तरह से। द फार्मर एंड हिज नेबर स्टार्टेड थ्रोइंग मड इनसाइड द वेल। एज द मड फेल ऑन द म्यूल ही क्राइड लाउडली इन फियर। ही वॉज अफ्रेड ऑफ गेटिंग बरिड अंडर द मड। तो क्या होता है कि फार्मर जो है ना वो अपने नेबर को बुलाकर लाकर वो बोल रहा है कि वो अंदर कुएं के अंदर उसने मिट्टी डालना चालू किया। फिर तभी मिट्टी इसके ऊपर म्यूल के ऊपर भी गिर रही थी, तो म्यूल चिल्लाने लग गया डर के मारे कि मैं यहाँ पे, फिर मुझे तो दफना दिया जाएगा, मैं कैसे बाहर निकलूँगा। कितने खराब लोग होते हैं ना। देखिए कैसे म्यूल के ऊपर ऐसे गिर रहा था मिट्टी, और कुएं में थोड़ी थोड़ी पानी है जहाँ पे हम देख पा रहे हैं, पर कम है। आफ्टर सम टाइम द म्यूल रियलाइज समथिंग। कुछ टाइम कुछ समय बाद म्यूल को एक अंदाज़ा आ जाता है। ही फाउंड दैट द मड थ्रोइंग ऑन थ्रोन ऑन हिज बैक वॉज फॉलिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ द वेल एज ही शुक हिज बैक। उसको समझ में आता है कि जब मैं अपना पीछा, जब वो अपना बॉडी को हिलाता है ना, तो तब क्या होता है, सारी मिट्टी है ना नीचे गिर जाती है, तो उसके बॉडी के साथ चिपक के नहीं रहती। चलो एक अच्छी बात है, पर इससे क्या होगा हम देखते हैं। अरे वाह, कुछ तो बन गया है। एवरी टाइम अ शोवल ऑफ, अच्छा हमने कुछ मिस तो नहीं किया। हाँ, एवरी टाइम अ शोवल ऑफ मड वॉज थ्रोन ऑन हिम। हर एक बार जब वो शोवल जिससे हम मिट्टी खोद खोद कर वो डाल रहे थे ना, ही शुक इट ऑफ एंड स्टेप्ड अप। फिर वो अपने मुंडी को हिलाता गया, अपनी बॉडी को हिलाता गया, फिर ऊपर ऊपर चढ़ता गया। ग्रेजुअली अ पाइल ऑफ मड गॉट कलेक्टेड ऑन द फ्लोर ऑफ द वर्ल्ड। तो जैसे कि उन्होंने वो जो मिट्टी जो है ना इसी के ऊपर ही डाल रहे थे, गीली मिट्टी, तो क्या हुआ वो ग्रेजुअली है ना वो झाड़ कर वो जब ऐसे एक पाइल जैसा बन गया, पहाड़ जैसा बन गया, उसके ऊपर वो चढ़ चढ़ के जो जा रहा था और ग्रिप भी ले रहा था पकड़ कर। द पाइल गॉट बिगर एंड बिगर एज द फार्मर एंड हिज नेबर्स केप्ट ऑन थ्रोइंग मोर एंड मोर मड। और ये जो पाइल है जो पहाड़ जैसा बना है वो लंबा होता गया, क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी वो डालते गए, उनके नेबर्स और वो दोनों मिलकर डालते चले गए, फिर वो बढ़ता चला गया। द पाइल टर्न इन टू अ ह्यूज हीप। इतना बड़ा हो गया तो एक हीप जैसा लंबा हो गया है। देन म्यूल स्टॉप पैनिकिंग। ही हैड एन आइडिया इन हिज माइंड। ही स्टार्टेड स्टेपिंग अप द मड हीप। फिर अभी ये म्यूल को डर नहीं लग रहा है, उसे एक अंदाज़ा आ चुका है कि यह अगर बड़ा हो जाएगा इसके ऊपर मैं चढ़कर बाहर निकल सकता हूँ। तो चलिए कि कोशिश उसकी पूरी हो जाएगी क्या, देखते हैं। अ वेरी वेरी सून आई विल बी आउट ऑफ दिस वेल, द म्यूल अश्योर्ड हिमसेल्फ एंड कंटिन्यू टू क्लाइंब अप द राइजिंग हीप ऑफ मड। तो म्यूल ने अपने आप को दिलासा दिया, बहुत ही जल्दी मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। अगर इस तरह से उन लोगों ने डालते रहे तो मैं उसके ऊपर, वो मेरे ऊपर जो आएगा वो नीचे गिरेगा और हाइट बनती जाएगी, तो फिर मैं निकल ही जाऊँगा। चलिए देखते हैं। एक आशा इसके मन में जाग रही थी कि मैं अभी तो निकल ही जाऊँगा, बस अभी कुछ ही देर है। फिर आखिर में निकल ही जाता है। ऑन रीचिंग द एज ऑफ द वेल द ओल्ड म्यूल जम्प्ड आउट एंड वेंट अवे लीविंग द फार्मर एंड हिज नेबर स्टार्टल्ड। फिर एक बार वो ऊपर पहुंच जाता है तो कूद के निकल ही जाता है। फिर सभी उसको आश्चर्य में देख रहे होते हैं, फार्मर और उसके नेबर्स भी। इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद भी ये आखिर निकल ही गया, और कितना खुश होकर सबको छोड़ छाड़ कर भाग रहा है। चलिए एटलीस्ट एक चीज़ तो अच्छी हुई कि वो अपनी जान खुद ब खुद
जान पे कोशिश करके बच भी गई। तो अच्छी लगी ना ये स्टोरी आपको? तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसका? डू नॉट गिव इन टू योर फियर्स, योर स्ट्रेंथ एंड करेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। आप कभी भी अगर देख रहे हैं कोई मुसीबत आ रही है, मत पीछे हटिए, कोशिश करिए, शायद आप फेस कर जाएं और आपको वो दोबारा कभी मुसीबत लगे ही नहीं। अच्छी लगी आप, आई होप आपको ये स्टोरी। तो चलिए आज इसके साथ ही मैं एंड करती हूँ। कल आपसे मिलती हूँ एक दूसरी स्वीट सी स्टोरी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।